नमस्कार, मैं हूं अंजलि तोमर और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार नेटवर्क। मेघालय की पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले की खदान में पिछले 12 दिनों से 5 मजदूर फंसे हुए हैं। खदान में डायनामाइट विस्फोट के बाद पानी भर गया था। अब मजदूरों को बचाने के लिए मेघालय सरकार ने नौसेना की मदद मांगी है। मेघालय सरकार की ओर से रक्षा मंत्रालय को एक पत्र लिखा गया, जिसमें मजदूरों को खदान से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए नौसेना के गोताखोरों को उपलब्ध कराने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री कॉनराड ने कहा है कि मजदूरों को खदान से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जिला प्रशासन के साथ ही एनडीआरएफ से भी मदद ली जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जल स्तर के नीचे आने का इंतजार कर रही है। राहत और बचाव कार्य में 100 से ज्यादा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के कर्मचारियों को लगाया गया है। बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में मेघालय में रेल होल कोयला खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, लेकिन अभी भी राज्य में आदेश का उल्लंघन करते हुए अवैध खनन किया जा रहा है। खदान में मजदूरों के फंसे होने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले में कोयला खदान के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मेघालय में लगभग 560 मिलियन टन कोयले का भंडार होने का अनुमान है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।